देश की राजधानी कुछ दिनों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और इसका मुख्य कारण था यहां हुआ G20 शिखर सम्मेलन। दरअसल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में बने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। भारत ने इस महाआयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर एक व्यवस्था को बेहतर से बेहतर किया गया था। फिर चाहे वो मेहमानों के ठहरने की जगह हो, उनके खान पान की व्यवस्था हो या फिर उनकी सुरक्षा का जिम्मा हो। इसी कार्यक्रम के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस डिनर समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा गया था। इस डिनर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस शासित राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने इस समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। इसी बीच अब ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होती तो आसमान नहीं टूट पड़ता, महाभारत अशुद्ध न हो जाता, कुरान अपवित्र नहीं हो पाता। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने इस डिनर समारोह में शामिल होने के पीछे कोई कसर नहीं और मंशा थी। वहीं TMC राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणियों पर जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि चौधरी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल के बारे में उन्हें टिप्पणी नहीं देना चाहिए। सेन ने कहा, चौधरी ये नहीं तय करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया। साथ ही इसकी विधिवत सूचना राज्य सरकार को दी गई। केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने की पुष्टि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भेंट कराई और उनके बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली गई इस तस्वीर की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के भोज में जिस टेबल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठने की व्यवस्था थी, उस पर उनके साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अर्जुन मुंडा और विदेश सचिव के बैठने का भी इंतजाम था। वहीं राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉरिशस से आए दल के प्रतिनिधियों से भी भेंट की। कई मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की मुलाकात कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से भी हुई। इसी मुलाकात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।